हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। स्टैंडर्ड 6 मैथ्स। आज हम एक्सरसाइज 1 का यूनिट 1 का एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करेंगे। कल हमने एक्सरसाइज 1.1 किया था, तो इसका फर्स्ट सम है जो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे करके भी दिखाया है और समझाती हूँ। ए बुक एग्जीबिशन वॉज हेल्ड फॉर 4 डेज इन ए स्कूल। नंबर ऑफ टिकट सोल्ड एट द काउंटर ऑन द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड द फाइनल डे वॉज रिस्पेक्टिवली। फर्स्ट डे जो टिकट सोल्ड हुई थी उसका नंबर है 1,018,012, 2,050 and 2,750. The find the total number of tickets sold on the all 4 days. अभी हम सबसे पहले करेंगे कि जो फर्स्ट डे जो टिकट सोल्ड हुई है उसका नंबर लिखेंगे। तो द टिकट सोल्ड ऑन द फर्स्ट डे इक्वल 1,094, टिकट सोल्ड ऑन द सेकंड डे इक्वल 1,812 एंड टिकट सोल्ड ऑन थर्ड डे 2,050 एंड फोर डे 2,751। अब ये सब जो टिकट्स है वो सॉल्व हुई है उसका हम प्लस करेंगे तो उसका आंसर हमें मिल जाएगा। तो यहाँ मैंने सब प्लस करके दिखाया है तो आंसर क्या आया, 7,707। ये टोटल हमारा आंसर आया। तो इसका मतलब ये कि जो टोटल फोर डेज में टिकट सोल्ड हुई है वो कितनी है, 7,707। अब हम दूसरा सम करेंगे। शेखर इज द फेमस क्रिकेट प्लेयर। शेखर था वो फेमस क्रिकेट प्लेयर था। ही वॉज सो फास्ट कॉल्ड 6,980 रन्स इन द टेस्ट मैच। एन ए टेस्ट मैच में कितने रन बनाए थे, टोटल 6,980। ही विश टू कम्प्लीट 10,000 रन। इसकी विश क्या थी, 10,000 रन फिनिश करने की थी। तो यहाँ पे हाउ मैनी रन मोर, तो यहाँ पे उसके 10,000 रन कम्प्लीट करने के लिए और कितने रन चाहिए वो हमें फाइंड करने का है। तो यहाँ पे हमने 10,000 हमारा इसका टारगेट है तो हम 10,000 रखेंगे और नीचे जो उसने रन किए हैं वो रखेंगे। तो अब तक उसने कितने रन किए हैं, 6,980। तो हम इसमें से 10,000 में से 6,980 रन माइनस करेंगे तो कितना आंसर आएगा, 3,020 रन। तो शेखर को अभी कितने रन की ज़रूरत है, 3,020 रन की ज़रूरत है। जब वो 3,020 रन बनाएगा तो उसका टारगेट 10,000 रन का होगा, वो पूरा होगा। अब हम करेंगे सम नंबर 3। इन एन इलेक्शन द सक्सेसफुल कैंडिडेट रजिस्टर्ड 5,77,500 वोट्स एंड हिज नियरेस्ट राइवल सिक्योर्ड
3,48,700 votes. So by what margin did the successful candidate win election? जो इसके नियरेस्ट कैंडिडेट ने इतने रन बनाए हैं, तो जो सक्सेसफुल कैंडिडेट है वो कितने रन से वो विन, उसको जीत हासिल हुई, वो हमें देखने का है। तो सबसे पहले हम जो सक्सेसफुल कैंडिडेट है उसने जो रन बनाए और उसने जो वोट उसको जो मिले हैं वो लिखेंगे, और इनमें से जो उसका नियरेस्ट कैंडिडेट है उसने जो वोट उसे जो वोट मिले हैं वो उसमें से माइनस करेंगे। तो हमको मालूम पड़ेगा कि जो सक्सेसफुल कैंडिडेट है वो कितने रन से उसका कितने रन से उसका वो जीता। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 5,77,500 रन जो सक्सेसफुल कैंडिडेट ने किए हैं वो ऊपर रखेंगे, और उसके नियरेस्ट कैंडिडेट ने रन बनाए इसके इसमें से माइनस करेंगे। तो उसके नियरेस्ट कैंडिडेट ने रन बनाए हैं 3,48,700 वोट्स। तो उस हम इस माइनस करेंगे इसमें से, तो कितने रन आए, 2,28,800 वोट्स। तो जो सक्सेसफुल कैंडिडेट था वो कितने रन से उसकी जीत हुई, तो 2,28,800 वोट से इसकी जीत हुई। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा, और आपको मस्त हैंड राइटिंग करके मैथ्स की नोट में और होमवर्क में दोनों में ये सब करने के हैं। फिर आगे चैप्टर में कल चलाऊंगी। थैंक यू।